अस्सलामुअलैकुम। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ और स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो पे, नई जगह और नया लोकेशन। और ये वीडियो में आपने थंबनेल देख ही लिया, प्राइवेट जॉब इन मुंबई, तो उसी के बारे में आज मैं बताऊँगा। जो आप पार्ट टाइम, फुल टाइम, जो आपका मन करे वो कर सकते हैं। और मैं भी अभी मुंबई में हूँ, मैं झारखंड से हूँ, आपको पता ही है। तो अभी फ़िलहाल मैं मुंबई में हूँ और मुंबई में अभी मैं कर रहा हूँ पार्ट टाइम जॉब। और कहाँ कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। अभी कहाँ कर रहा हूँ बताऊँगा, लेकिन किससे कर रहा हूँ, कैसे करना पार्ट टाइम जॉब, जल्दी बताऊँगा अगले वीडियो पर। फ़िलहाल अभी मैं आपको बताता हूँ कि मैं अभी कौन सी गाड़ी चला रहा हूँ, कहाँ पर हूँ और कैसे क्या करता हूँ, कहाँ से कैसे आया ड्यूटी, जो भी है ड्यूटी के बारे में आज मैं अपडेट दूंगा। आज ड्यूटी को लेके आपसे अपडेट दूंगा और वीडियो पे बने रहिए, आपको दिखाऊंगा आगे आगे मैं क्या क्या करता हूँ और कहाँ जाता हूँ, जो भी दिखाता हूँ। तो देखिए, अभी मैं पार्ट टाइम जॉब कर रहा हूँ तो इसमें बहुत तरह का ड्यूटी आएगा। तो फ़िलहाल मैं अभी लिया हूँ 10 घंटे का है और मेरा नया लोकेशन डेली रहेगा हमेशा, और नया जगह, नया गाड़ी। और इसमें जॉब करने के लिए सबसे पहले आपको हर गाड़ी की नॉलेज होनी चाहिए, फुल फोर व्हीलर पे। अगर आप लग्जरी में चलाते हैं तो लग्जरी में जैसे BMW, मर्सिडीज़, ऑडी, जो भी एवरीथिंग अपना लग्जरी में आता है। तो मैं अभी लग्जरी छोड़ के और बाकी मैं सब गाड़ी चला रहा हूँ, मैनुअल, ऑटोमेटिक, जो भी स्टैंडर्ड में आता है। तो आज मैं चला रहा हूँ, देखिए मैं अभी गाड़ी में ही बैठ के वीडियो बना रहा हूँ। तो ये गाड़ी है इर्टिगा गाड़ी है, टॉप मॉडल ऑटो वेरियन। देखिए आपको दिखाऊंगा, ये ऑटोमेटिक है, इर्टिगा गाड़ी है। और अभी मैं हूँ अंबरनाथ MIDC एरिया। ये देखिए पीछे हमारा प्लांट है, कोई जो ज़रूरी नहीं इस पर मेंशन कर दूँ, बस कोई प्लांट है। अभी जो जिसने मेरे को हायर किया था आज 10 घंटे के लिए, तो उनके साथ ही मैं आया, क्योंकि आपका वही रहेगा रूल्स, जैसे जैसे जहाँ पे उन लोग लेके गए, जो आपको हायर करेंगे, तो जहाँ पे आपको लेके गए, जैसे 10 घंटे का उनका हम हायर किए हुए हैं, वो मेरे को 10 घंटे के लिए हायर किए। तो आप जो 10 घंटे में हो, या मेरे को खड़ा रखे एक जगह, या तो 10 घंटा गाड़ी चलवाए, वो उन पर है, वो उन पर डिपेंड करता है वो क्या करेंगे आपके साथ, वो आप कुछ नहीं बोल सकते हैं। हाँ, आपको बीच में ब्रेक चाहिए मीन्स लंच के लिए या और भी बाथरूम वगैरह के लिए, आप बोल सकते हैं। लेकिन हाँ, आपको ये, आप उनको ये नहीं बोल सकते हैं जल्दी आइए या क्यों ये वो। हाँ, आपका लेट हो रहा है तो इसमें आपको एक्स्ट्रा चार्ज भी मिलेगा, ओवर टाइम के समझ लीजिए। और ये फ़िलहाल पार्ट टाइम जॉब है तो इसमें आप 2 घंटा भी कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी, जितने घंटे की बुकिंग लें, 4 घंटे के लिए भी लें, या तो 10 घंटे के लिए या 12 घंटे के लिए, जैसा आपको सही लगेगा। अभी जो जॉब कर रहा हूँ मैं पार्ट टाइम, इसमें आपका ये भी है, आज करनी है तो कीजिए, नहीं तो कल नहीं करना है, 2 दिन रेस्ट करना है, वो रेस्ट कर सकते हैं। तो मेरा कुछ ऐसे ही चल रहा है अभी। आज मैं फिर एक दिन गैप करके दूसरे दिन आया हूँ। और मैं बताता हूँ कि मैं बुकिंग अभी लिया था मैं कोपरखैरना से। अंबरनाथ में तो मैं अभी रह रहा हूँ फ़िलहाल, तो अंबरनाथ से मेरे को एक बुकिंग आया। अपना देख लें इसमें कि कहाँ पर आपका नियर पड़ रहा है, जाने आने में आपको जो सुविधा मिले वो हिसाब से अपना बुकिंग ले। तो मेरे को तो कोपरखैरना दिखा, जो दूर है अंबरनाथ से, लेकिन उतना भी दूर नहीं था, ठीक ही था। तो मैं अपना अंबरनाथ का बुकिंग लिया, अंबरनाथ से बुकिंग लिया कोपरखैरना को। तो वहाँ से मेरे को रूम से स्टेशन आना पड़ा अंबरनाथ, फिर वहाँ से मेरे को लोकल लेनी पड़ी, जो आपको चेंज करके जाना पड़ेगा। अंबरनाथ से आप थाने जाएँ, तो थाने से फिर अपना हार्बर लाइन पकड़े जो वासी के लिए जाती है, फिर कोपरखैरना में उतर के, फिर वहाँ पर मैं गूगल मैप लगाया, तकरीबन 2 किलोमीटर था, 2 किलोमीटर अपना ऐसे गया वॉक करके। तो अपने हिसाब से जो देख ले, फिर मैं देखिए वहाँ से बुकिंग स्टार्ट हुई मेरी सुबह की 7 बजे की, और सुबह की 7 से मैं ड्यूटी पे, और अभी फ़िलहाल देखिए 11 बज गया है, मतलब तकरीबन 4 घंटा बीत चुका है, अब 6 घंटा और राइड बचा हुआ अपना। तो ठीक है, और हाँ वहाँ से मैं देखिए वहाँ से मैं गया लोकेशन पे, आपको जो जो टाइम दिया गया है वहाँ पे, लेकिन आपको टाइम से पहुँचना है, ठीक है,
बिफोर पहुंचना है, लेट नहीं होना चाहिए ना कंप्लेन हो जाएगा। तो मेरे को 7 का टाइमिंग था, मैंने तकरीबन 6:45 ही वहाँ पर पहुँच गया था वहाँ पर लोकेशन पर। फिर वहाँ से अपना स्टार्ट हुआ, तो वहाँ से पहले हम गए तुरबा MIDC एरिया, जो अपना पुराना एरिया, वहाँ पे मैं गाड़ी वाड़ी भी चलाया, बड़ी गाड़ी भी, प्रदीप रोड हिल में, तो वहीं पे गया था। वहाँ पे कुछ 1 घंटा रुके जो थे, वहाँ से फिर 1 घंटा के बाद मैं अपना रेस्ट किया वहाँ पे 1 घंटा। फिर वहाँ से अभी MIDC एरिया आ गए, तो जो अंबरनाथ है, तो वहाँ से तकरीबन 35 किलोमीटर दूर है ये। तो वहाँ से फिर ये आए, और ये सामने वही इंडस्ट्रियल एरिया है, ये प्लांट है पीछे। मैं गाड़ी में बैठा हूँ, और जो हम जिनको ले कर आए थे वो अभी अंदर चले गए, उनका मीटिंग वगैरह है। तो उन्होंने पहले बोला 4-5 घंटे यहाँ लगेगा, तो जाइए 4-5 घंटा अपना रेस्ट कीजिए, जो कीजिए, बाहर घूमिए, या गाड़ी में बैठिए। हाँ, गाड़ी फालतू फ्यूल नहीं जलाना है किन्हीं का, ये दूसरे की अमानत है, प्रॉपर्टी है, तो इनका भी केयर करना है, खुद से भी, समझदारी से भी। और तो इस पर आप खुद भी अच्छा नहीं लगता, दूसरी बात कंप्लेन भी हो सकता है आपका। तो मैं ऐसे फ़िलहाल मैंने उनको पूछा था जो मेरे को लेकर आए, उनको चाहिए की भी अगर उनको पूछ लें कि की रखूं कि आपके गाड़ी का की दे दूं। उन्होंने बोला ठीक है आप रखो, मुश्किल नहीं। तो मैं लेके बस गाड़ी में ही बैठा रहा, क्योंकि यहाँ पे बैठने का भी जगह नहीं था। तो फ़िलहाल मैं अभी गाड़ी पे ही बैठा हूँ, और इसका दर कुछ पार्ट टाइम जॉब है, आप चाहे तो फुल टाइम भी कर सकते हैं, सैलरी पे भी कर सकते हैं, मंथली जो होता है सैलरी पे भी जॉब मिल जाएगा। और कैसे कहाँ से ज्वाइनिंग करना है, क्या करना है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। और फिलहाल ये वीडियो में आप देखिए, अभी मैं यहाँ अंबरनाथ में, अभी अंबरनाथ से देखना है फिर कहाँ पे हम लोग चलते हैं, तो आगे वो भी अपडेट दूंगा आपको। अभी हम लोग कोपर खैना से तुरबे गए थे MIDC, फिर वहाँ से आए अंबरनाथ। अब अंबरनाथ से हम कहाँ चलते हैं, कि यहाँ पे 11 बज रहे, आप देखते हैं कब तक आएंगे, जो अभी हमको लेके आए यहाँ पे, बुकिंग था जिनका। लेकिन इसमें गाड़ी का ज़रूर नॉलेज होना चाहिए, हर गाड़ी आपको आनी चाहिए, क्योंकि ये गाड़ी डेली आपको हो सकता है कुछ भी हो। लेकिन हाँ, ये ऑटोमेटिक में या मैनुअल में जो भी आएगा, दो ही गाड़ी आएगा स्टैंडर्ड में। बाकी आप लग्जरी लेंगे तो उसमें लग्जरी में वो मर्सिडीज़, BMW और भी आएगा, उसमें थोड़ा आपको कॉस्ट भी ज़्यादा रहेगा, आपको अच्छा चार्ज मिल सकता है नॉलेज अगर अच्छा रहा था। तो चलिए वीडियो पे बने रहिए, और आपको दिखाते हैं अब यहाँ से कहाँ निकलते हैं, काफ़ी लंबा वीडियो हो गया, और यहाँ से आपको दिखाएंगे, और एक वीडियो और भी बनाएंगे जिसमें हम आपको शुरू से मतलब दिखाएंगे कि कैसे बुकिंग लेते हैं और कैसे घर से निकलते हैं, आपको जिसमें पूरा ट्रैवल का भी आपको दिखाऊंगा ब्लॉग पे, रूम से लेके जहाँ तक जाऊंगा पिक करूंगा, फिर रिटर्निंग होम तक। तो क्योंकि अभी तो डायरेक्ट मैं यहाँ से कर रहा हूँ, बहुत आधा मीन्स अपना राइड क्लास होने के बाद। और चलिए वीडियो पे बने रहिए, फिर आपको मिलते रहेंगे, आपको बताएँगे आगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करें, और मैं आप बताऊँगा कि कैसे आपको मुंबई में, अगर आप हैं और आप फोर व्हीलर, अच्छा आपको नॉलेज है, थोड़ा रोड वोड भी होना चाहिए अच्छा नॉलेज, नहीं भी है तो आप गूगल मैप यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए आगे दिखाते हैं फिर यहाँ से हम लोग कहाँ निकलते हैं, कहाँ जाते हैं, और कब तक आते हैं जो हम यहाँ छोड़े हैं। अभी फिलहाल 11 बज रहे हैं, यहाँ से कितना बजे निकलते हैं आपको अपडेट देते हैं। और दोस्तों अभी 12:15 तकरीबन होने वाला है, 12:15 बज गई है, और अभी देखिए मैं वहाँ पे था, वो गाड़ी मेरी अंदर है, मैं बाहर आ गया क्योंकि गाड़ी में बहुत गर्मी लग रही थी। तो बाहर ये पेड़ है, पेड़ पौधा है सामने, जो इधर आके मैं खड़ा हो गया। ये पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है, देखिए MIDC जिसको बोलते हैं, ये MIDC एरिया है, पूरा MIDC। और मेरे पीछे एक पीक आगे कौन दो मताल है, देखो, चलो ऐसा कुछ ना हो सबको। और देखिए मैं ऐसा इलाका में हूँ कि ये बुकिंग में आपको भी हो सकता है झेलना पड़े, क्योंकि ये वाला प्राइवेट जॉब में सेम आप हाउस ड्राइवर वाला काम हो जाएगा, क्योंकि सेट ऐसा ऐसा जगह पे आएगा जिनका बुकिंग रहेगा, वो लोग ऐसा ऐसा जगह पे आ जाएंगे, कुछ बोलेंगे नहीं, सिर्फ बोल देंगे हाँ इतना देर आऊँगा, या वो आप कुछ भी नहीं सकते, क्योंकि अपना टाइमिंग के हिसाब से बुकिंग रहता है, तो पूछना भी नहीं बनता अपने को क्या लेना देना है उनसे, कब आए नहीं आए, बस अपना टाइम पूरा हो आप चले जाओ, या फिर ओवर टाइम पर काम करना है, OT लगेगा तो OT पे काम कीजिए जैसा आपको ठीक लगे। तो मेरा तो अभी फ़िलहाल सिर्फ ओनली 5 घंटा अभी तक बीता है, 5 घंटा और रह गया। तो देखिए यहाँ सबसे बड़ा इशू ये बता रहा हूँ कि हो सकता है कल हो कि आप ये काम करें तो आपको भी ये चीज़ झेलना पड़ जाए। तो क्योंकि अपने जब बैग रखेंगे ना, हैंड बैग, तो हैंड बैग अगर रखिएगा, जैसे मैं भी अभी रखता हूँ हैंड बैग, मेरा बैग मैं रखा हूँ गाड़ी में, तो उसमें कुछ ना कुछ ज़रूर खाने पीने और पानी तो ज़रूर लेके घूमें,
पानी भी साथ ज़रूर रखें और साथ में कुछ रखें, जैसे मैं बिस्किट वगैरह रखता हूँ। गाड़ी मेरी देखिए अंदर है, ये सामने आपको दिख रही है जो ये वाली, ये मेरी गाड़ी है जो यहाँ खड़ी है। और मैं भी बाहर, ये पेड़ था यहाँ पे, बहुत अच्छा हवा आ रहा है ठंडा ठंडा, तो मैं बाहर निकल गया। और पीछे पूरा है, देखिए इंडस्ट्रियल एरिया है, प्लांट है, प्लांट एरिया समझिए ये। तो यहाँ हूँ मैं और यहाँ से देखिए अगल बगल कोई होटल वोटल भी नज़र नहीं आ रहा, तो ये सब चीज़ क्योंकि झेलना पड़ सकता है, क्योंकि इसलिए अपना व्यवस्था पूरा ले कर घूमें, अपना जो भी है सब ले होकर घूमें, साथ में रखें खाने पीने की कुछ कुछ छोटी छोटी चीज़ें, बिस्कुट वगैरह, और पानी ज़रूर रखें, क्योंकि कभी कभी ऐसा जगह आना पड़ता है। देखिए मैं 2-3 घंटे से यहीं हूँ, 3 घंटा तकरीबन होने चला, 2.5 घंटा हो गया अभी, 3 घंटा होने चला और मैं तकरीबन 3 घंटे से यहीं हूँ ये एरिया में, जो दूर दूर तक मतलब बहुत पीछे ही देखा था मैं, जब ये रोड से आ रहा था तो उधर पीछे ही देखा था, दुकान था जो अब आपको दिखाऊंगा। ये देखिए बहुत पीछे उधर दिख रहा है आपको, जो बहुत मतलब यहाँ से तकरीबन 2-3 किलोमीटर पहले ही मतलब दुकान वगैरह था, बाकी इधर कुछ नहीं है, क्योंकि ये पूरा प्लांट एरिया है। ये देखिए क्योंकि ये हम लोग मुंबई में नहीं है, मुंबई से बहुत बाहर है ये एरिया, अंबरनाथ MIDC एरिया, जो इधर लोकल होंगे उनको पता होगा, बाकी आप गूगल मैप करके भी देख सकते हैं, यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, जो आपको ठीक लगे। तो चलिए आगे दिखाते हैं, फिलहाल अभी तक तो यहीं हैं, अब यहाँ से कहाँ निकलते हैं। मेरा इस वीडियो से मतलब यहाँ पर आने का मकसद यही था कि अगर ये काम कर रहे हैं तो ज़रूर अपने साथ कैरी करें कुछ कुछ खाने का इमरजेंसी में, जैसे बिस्किट वगैरह और भी कुछ रख लें, जिससे आपका भूख तो थोड़ा कंट्रोल रहे, क्योंकि अभी लंच का भी टाइम हो रहा है, देखते हैं। और देखिए ऐसा नहीं, अभी जैसे यहाँ से मेरा 2-3 किलोमीटर दूर है यहाँ से खाने का होटल भी जो भी, तो अगर जो भी आपके साथ है जो सेठ है उनसे बात कर लीजिए, अगर उन्होंने मतलब अगर उन्होंने आपको परमिशन दिया तो गाड़ी लेके जा सकते हैं, गाड़ी ले जाइए जाके फिर खा के आ जाइए, लेकिन आप बिना पूछे ना जाएं, बेस्ट रहेगा आपके लिए, क्योंकि उनको भी ऐसा ख़राब ना लगे और कुछ गलत ना सोचे वो, और अपना बिहेवियर हमेशा अच्छा रखे ये सब चीज़ों में, कि बिहेवियर से भी आपको अच्छा बुकिंग रेटिंग और सब मिलता है, रेटिंग अच्छा रहेगा तो बुकिंग भी सही अच्छा मिलेगा। अभी देखिए मैं थोड़ा देर और वेट करता हूँ, देखूँगा, कॉल करूँगा जिनके साथ मैं आया हूँ उनको भी कॉल करके मैं पूछूँगा, वो गाड़ी लेके मैं चला जाऊँगा यहाँ से 2-3 किलोमीटर जो है होटल वगैरह खाना वाना खा लूँगा, नहीं तो अगर पहले उन लोग यहाँ से निकल गए तो फिर अच्छा है। तो लेकिन हाँ गाड़ी अपने साथ, देखिए गाड़ी मेरे साथ में है, चाबी मेरे पास ही है, आपको दिखाना चाहूँगा देखिए, लेकिन हाँ मैं उनके बिना पूछे छू नहीं सकता, गाड़ी अच्छा नहीं है, कि मैं जिनके साथ आया हूँ वो तो अभी मीटिंग में है, वो मेरे को पहले बोले थे 4-5 घंटा लगेगा मीटिंग में, तो इसके लिए मैं इधर वेट कर रहा हूँ, बाकी आगे देखते हैं क्या होता है, नहीं तो फिर यहाँ से गाड़ी लेंगे और आपको दिखाएंगे, खाना खाने जाएंगे, या तो फिर यहाँ से अगर हम डायरेक्ट निकल गए तो अच्छी है। चलिए आगे दिखाते हैं, बने रहिए वीडियो पर। और दोस्तों अभी शाम के तकरीबन 4 बज गए इवनिंग के, और अंबरनाथ से मैं अभी वासी आ गया हूँ, सॉरी ये तुरबा आया हूँ, वासी गया था अंबरनाथ से डायरेक्टली, पहले वासी गया और वासी से फिर अभी मेरे को तुरबा लाया गया है 4 बजे, अभी भी 1 घंटा बैलेंस मतलब रह गया इनका, जिन्होंने बुक किया है मेरे को, हायर किया था 10 घंटे के लिए, तो इस कदर कुछ ड्यूटी होता है प्राइवेट जॉब का, देखिए हम बोल नहीं सकते यार, आप पीछे मैं आपको बताया था उस टाइम कि खाने का देखते हैं, लेकिन खाना नहीं खा पाए क्योंकि जहाँ पे हम लोग थे वहाँ पे तो कुछ था ही नहीं, पूरा प्लांट एरिया था, इंडस्ट्रियल एरिया, वहाँ से तकरीबन 3 किलोमीटर पहले होटल वोटल मेरे को दिखा था, तो जिन्होंने मेरे को हायर किया था उन्होंने पहले बोला था कि मैं मीटिंग में जा रहा हूँ, तो इसके लिए उनको डिस्टर्ब भी नहीं किया कि मैं उनसे गाड़ी उड़ी मांगूँ कि बोलूँ कि खा के आऊँ या क्या करूँ, तो फिर लेकिन मैं इमरजेंसी में देखिए मैं बैग लेके घूमता हूँ, तो इसमें अपना बिस्किट रखा था मैं, तो बिस्किट ही खा के अभी तक मैं हूँ समझिए, अभी 4 बज रहा है, तो आज का ड्यूटी कुछ ऐसा रहा, और होता है कभी कभी ऐसा, और अभी खाने का भी दिल नहीं कर रहा क्योंकि 4 बज गया तो क्या खाए खाना, बस बिस्किट खा के रह गए, अभी यहाँ से इनका फाइनल कम्प्लीट राइड रहेगा जो अभी इनको छोड़ना है घर के पास, जहाँ से इनको सुबह में 7 बजे पिक किया था, अभी फाइनल ड्रॉप इनका रहेगा यहाँ पे, आधा घंटा का होल्ड है अभी,
क्योंकि मेरे को बोल के गया है, बोल के गए हैं कि मैं आधा घंटा यहाँ पे रहे, अभी इनको रहना है, मतलब 4 बजे 4:30 बजे तक शायद आएंगे बाहर, उनके बाद फिर यहाँ से डायरेक्टली हम राइड कंप्लीट करेंगे कोपरखेरना में। तो देखिए आधा घंटा तकरीबन लग जाएगा फिर यहाँ से, तो हिसाब से इनका 10 घंटा पूरा कंप्लीट रहेगा। तो ये कुछ ऐसा रहता है लुक, मतलब जॉब जो प्रोसेस रहता है प्राइवेट जॉब का, तो बार बार बोलेंगे प्राइवेट जॉब कीजिएगा। तो ये बैग में अपना सब लेके गई हम, इसमें मैं पूरा व्यवस्था लेके घूमता हूँ, पानी वानी खाना वाना जो भी अपना, और एक जगह मिल भी रहा था खाना वाना का, तो वो सब पूरा ऑयली सामान मिल रहा था, फास्ट फूड वगैरह, तो मैं वो नहीं खाता हूँ अभी, छोड़ा हूँ वो सब। तो कभी कभार इमरजेंसी में ऐसा खा लेता हूँ, लेकिन अभी उतना भी मेरे को ये नहीं था, भूख भी नहीं था, तो मैं नहीं खाया वहाँ पे, ऐसा ही आ गया। और आपके दिमाग में भी आया होगा कि ये राइड को मेरे को कितना मिला है, तो वो चीज़ भी बताएंगे आपको, लेकिन अभी वो अगला ब्लॉग में बनाएंगे, बताएंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, ये वाला ब्लॉग में बस ऐसे ही देखिए प्राइवेट जॉब। बने रहिए चैनल पर, अभी चैनल पर जो नए आए चैनल को सब्सक्राइब कर ले अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो, और मेरे फेसबुक पेज पर हस ब्लॉग पर अगर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लें। ऐसे ऐसे वीडियो आप तक पहुँचाता रहूँगा, दिखाता रहूँगा, नया नया कुछ जानकारी भी देने की कोशिश करूँगा और दिखाने की कोशिश करूँगा मुंबई से रिलेटेड अभी, क्योंकि मैं अभी फ़िलहाल मुंबई में हूँ, आगे कहाँ जाऊँगा पता नहीं। तो जहाँ जब तक अभी मुंबई का अपडेट देखने के लिए मेरे चैनल पे बने रहिए, और कैसा लगा ज़रूर बताया। चलिए यहाँ से अभी फाइनली ड्रॉप करके फिर आपसे बात करेंगे, चलिए मिलते हैं फिर। और दोस्तों फाइनली अभी अपना राइड कंप्लीट हो गया, रात के तकरीबन 7 बज चुके हैं, और उनका तो बुकिंग था 10 घंटे का ही, 5 बजे का ही, लेकिन उन्होंने 1.5 घंटा तकरीबन ओवर टाइम लिया मेरे से, 1.5 घंटा तकरीबन, मतलब कितना 80 मिनट था तकरीबन, 1.5 घंटा से भी हुआ तकरीबन, नहीं 1.5 घंटा ही हुआ, तो 80 मिनट 1.5 घंटा मतलब कम ही था थोड़ा। तो फाइनली अभी ड्रॉप कर दिया उनको, मैं पिक तो उनको कहीं और से किया था कोपरखेरना से, और लेकिन ड्रॉप उनका वासी रहा, वासी रेलवे स्टेशन से तकरीबन 1.5 किलोमीटर पहले ही, तो मैं उनको वहाँ ड्रॉप करके और फाइनली मैं रेलवे स्टेशन में आ गया हूँ। इस पीछे देखिए, पीछे अपना फाइनली वासी रेलवे स्टेशन है, और तो ऐसा कुछ रहता है ड्यूटी का प्रोसेस पार्ट टाइम में, ओवर टाइम पे अगर हम चाहते थे तो वहाँ पर रोक सकते थे, लेकिन चलो अपना ही था तो हम बोले मुश्किल नहीं, और फाइनली अपना कंप्लीट हुआ था। इसके अंदर कुछ अपना ड्यूटी होता है, मतलब मेरा ड्यूटी तकरीबन 11.5-12 घंटा हो गया, 12 घंटा तकरीबन पकड़िए, और प्लस आना जाना मेरे को मतलब बहुत ज़्यादा हो गया। और वासी रेलवे स्टेशन से 1.5 किलोमीटर पहले उनको मतलब वहाँ पे छोड़ के गाड़ी उड़ी उनका पार्क करके फिर मैं स्टेशन आ गया था अपना, और स्टेशन सामने ही था वासी रेलवे स्टेशन, क्योंकि मेरे को जाना है अंबरनाथ, तो ट्रेन से तो अभी जा नहीं पाएंगे, बहुत भीड़ रहेगी, तो मैं यहाँ से सोच रहा हूँ, ये पीछे हमारे देखिए वासी रेलवे स्टेशन है, जो आपको पहले मेरे वीडियो पर देखे होंगे यूट्यूब पर भी और फेसबुक पेज पर भी, तो ये वासी रेलवे स्टेशन है, लेकिन लगती नहीं कि स्टेशन है। तो यहाँ पे आ गया क्योंकि यहाँ से मैं अभी डायरेक्ट लूँगा बस, अभी बस पे बैठेंगे यहाँ से और सीधा जाएंगे अपन कल्याण, कल्याण रेलवे स्टेशन, फिर वहाँ से अपना क्योंकि 2 रेलवे स्टेशन बच जाता है बस, अभी यहाँ से जाएंगे हम वासी से, तो बहुत घूमना पड़ेगा अपने को, यहाँ से जाना पड़ेगा थाने, फिर मतलब ये हार्बर लाइन है। अच्छा दोस्तों, वहाँ से मैं कट करके सामने रघुलीला मॉल था, जो मैं यहाँ पहले आप ही घूमा हूँ, जब मैं यहाँ पहले रहता था मुंबई में, तो ये सब अपनी पुरानी अड्डे हैं सब, रघुलीला मॉल जस्ट वासी रेलवे स्टेशन के सामने ही है, तो जो लोग देखे होंगे मालूम होगा। ये देखिए लुक है उनका रघुलीला मॉल का, ये भी काफ़ी खाली हो गया है, तकरीबन खाली हो गया है, और देखिए ऊपर कैसे बना है लुक इसका। तो ड्यूटी मेरा खलास हो गया, मतलब उनको जो था मेरा दिन भर का राइड था वो खलास हो गया, ख़त्म हो गया, उनका गाड़ी
छोड़ दिया उनके बंगले पे जहाँ जिन्होंने मेरे को हायर किया था 10 घंटे के लिए, लेकिन 11:30 घंटे का हो गया, तकरीबन 1.5 घंटा और ही चला। और जल्द ही वीडियो फिर बनाऊंगा नेक्स्ट, जिसमें बताऊंगा आप लोगों को मैं क्या में काम कर रहा हूँ, कैसे क्या सिस्टम है, रूल्स है उसका, कैसे कितना सैलरी, आप लोग के दिमाग में ज़रूर आया होगा। पहला क्वेश्चन यही है लोगों का, कितना कमाया, क्या खाया नहीं पूछेगी, कितना कमाया जरूर पूछेंगे। तो खैर ज़रूर बताऊंगा वो भी अपने सब्सक्राइबर को, बने रहिएगा वीडियो। और अभी हम यहीं हैं वासी, बस बगल में ही बस स्टैंड है, तो यहाँ से अभी हम लोग बस पकड़ेंगे। मेरे एक्चुअली असगर मामू भी आ रहे हैं अभी, मेरे खालू के भाई, तो इनका कंटिन्यू रेगुलर ड्यूटी इधर ही है, तो वो अभी स्टेशन यहीं पर आएंगे, 1 घंटा लगेगा। तो जब तक मैं सोचा यहीं पर आ जाऊँ, रुक जाऊँ, क्योंकि बगल में ही था ये मॉल रघुलीला मॉल, तो इसी में आके मैं थोड़ा रिलैक्स हो रहा हूँ। एसी है पूरा ठंडा ठंडा, बाहर तो बहुत गर्मी है, तो इसमें मैं आ गया। बाकी उनका ही वेट कर रहा हूँ, जैसे आएंगे यहाँ से निकल के स्टेशन से, फिर बगल में ही बस स्टॉप है, तो डायरेक्ट में हम लोग यहाँ से कल्याण रेलवे स्टेशन का डायरेक्ट हम लोग बस पकड़ेंगे, फिर वहाँ से लोकल ट्रेन पकड़ के अंबरनाथ, फिर अंबरनाथ से ऑटो पकड़ के सीधे अपना रूम पे। तो बस ऐसा ही अपना भाई ड्यूटी है, देखिए स्ट्रगल करना पड़ता है, मेहनत कैसे होती है। मैं सुबह 4 बजे का निकला हुआ हूँ घर से, रूम से, मीन्स 4:30 बजे उठा था, आधा घंटा में रेडी होके 4:30 बजे रूम छोड़ दिया था। 4:30 बजे रूम छोड़ के फिर मेरे को, क्योंकि 7 बजे से पहले मेरे को ड्यूटी ज्वाइन करना था, तो वहाँ मैं किया, क्योंकि आने जाने में ज़्यादा ट्रैवलिंग में टाइम जाता है पूरा। तो कुछ ऐसा रहा वीडियो, कैसा लगा ज़रूर बताएं, लाइक कर दें वीडियो पे, कमेंट करें कुछ, और यूट्यूब पे अगर आप देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लें पेज को, और सजेस्ट करें वीडियो, कमेंट करें नीचे कौन से टॉपिक पे वीडियो बनाओ, क्या दिखाऊं आपको मुंबई में बताइए। बाकी ऐसा वीडियो बनता रहेगा अभी। और ये कुछ लुक है रघुलीला मॉल का, देखिए जो बहुत पहले मैं यहाँ आ चुका हूँ, कंटिन्यू आता था, बगल में एक इनॉर्बट मॉल भी है, कभी टाइम मिला तो उसको भी वीडियो पे दिखाऊंगा आपको। और चलिए फिर मिलेंगे एक नई वीडियो पे, नई जगह, और ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, और फिर मिलेंगे एक नई वीडियो पे, नई जगह। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज, बाय, जय हिंद।